दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डियर एग्रीकल्चर में। दोस्तों, आज की जो टॉपिक है वो मैं आपको बता दूं, टाइप ऑफ फर्मेंटेशन, जिसमें हम बात करेंगे कितने प्रकार का ये होता है। आगे हम बात करेंगे भोजन के किण्वन हेतु उपयोगी सूक्ष्म जीवों की, और मैं आपको बताऊंगा दोस्तों सिरका के बारे में। तो मैं आपको पहले बता दूं, हमने पहले के वीडियो में क्या स्टडी किया उसके बारे में मैं थोड़ा आपको बता देता हूं। दोस्तों, हमने अभी तक देखा किण्वन के बारे में, किण्वन के बारे में हमने परिभाषा की बात की दोस्तों, और इसका ये शब्द कहां से आया, उत्पत्ति कहां से हुई, और क्या होता है किण्वन, उसके बारे में दोस्तों हमने चर्चा की थी। दोस्तों, एक चीज बता दूं, जो आज का वीडियो रहने वाला है उसकी पीडीएफ आपको नहीं मिलेगी, इसलिए ये जो वीडियो के साथ साथ आप या तो स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट्स तैयार कर लीजिए। दोस्तों, आगे चलते हैं। दोस्तों, टाइप ऑफ फर्मेंटेशन की मैं बात कर रहा हूं यहां पे, यानी कि मैं कहूंगा आपको किण्वन के प्रकार। दोस्तों, पहला टॉपिक आता है आपका किण्वन के प्रकार। दोस्तों, आपके ये जो यूनिट सेकंड है आज पूरी नहीं होगी, क्योंकि इसमें जैसे मैंने लास्ट में ये लेके चलूंगा सिरका निर्माण की विधि, सिरका बनाने की विधि, तो इसमें कुछ जैसे शराब बनाने की विधि अलग अलग आपके दे रखा है, रम बनाने की विधि, ब्रांडी बनाने की विधि, तो ये काफी लेंथी हो रहा है, इसलिए दोस्तों आज कंप्लीट नहीं हो पाएगा। और ये कंप्लीट कब होगा मैं आपको बता दूं, सिरका, शराब, रम, ब्रांडी और बाकी जो भी दोस्तों बच जाएगा उसे हम अब यूनिट सेकंड को 2 दिनों में पूरा कर लेंगे। पर दोस्तों एक शर्त और है कि आप इस वीडियो को जितना हो सके उतना लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों, किण्वन के प्रकारों की मैं बात करूं तो दोस्तों पहला आता है एल्कोहलिक किण्वन। दोस्तों, एल्कोहलिक किण्वन आपको लिख लेना है साथ साथ में, इसकी पीडीएफ आपको नहीं मिलेगी। एल्कोहलिक किण्वन सीधा सीधा एग्जाम में पूछा जाएगा, निम्न में से किण्वन का प्रकार है, पहला ही ऑप्शन आ जाए दोस्तों एल्कोहलिक किण्वन, तो उस पे आपको टिक कर देना, हो सकता है बाकी ऑप्शन उनमें से ना हो। एल्कोहलिक किण्वन या फ्रेगमेंटेशन, और मैंने आपको कल बताया दोस्तों एंजाइम या सूक्ष्म जीवों के द्वारा जटिल पदार्थों का सरल पदार्थों या उच्च कार्बनिक पदार्थों का निम्न कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तन ही दोस्तों किण्वन कहलाता है। आगे चलते हैं दोस्तों, एल्कोहलिक किण्वन के बाद मैं बात करूं तो लैक्टिक एसिड किण्वन आता है। दोस्तों, हिंदी में मैं यहां पे लिख देता हूं आपके लिए, लैक्टिक एसिड किण्वन। एक चीज दोस्तों मैं आपको बता दूं, कुछ लोग मुझे व्हाट्सएप पे पर्सनल मैसेज ये कर रहे हैं कि हमें वीडियो भी सेंड कर दीजिएगा, तो मैं उन्हें बता दूं फिर यूट्यूब पे मैं क्या दे रहा हूं आपको, वीडियो तो दिए जा रहे हैं, फिर आपको मैं ओनली पीडीएफ सेंड करूंगा, कोई वीडियो सेंड नहीं किया जाएगा, इतना ही फ्री मिल रहा है, वही आपके लिए बहुत अच्छा है। दोस्तों, एल्कोहलिक किण्वन लैक्टिक एसिड किण्वन आता है। दोस्तों, आगे आता है एसिडिक एसिड किण्वन, तीन नंबर, इसके तीन प्रकार होते हैं। एक चीज दोस्तों इस ये लिख के मैं एक चीज बहुत ही महत्वपूर्ण आपको बताने वाला हूं, एसिडिक एसिड किण्वन, कई दोस्त बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, मुझे कमेंट कर रहे हैं कि हम रेगुलर नोट्स बना रहे हैं, उनके लिए बहुत बेनिफिट यहां पे होने वाला है। एसिडिक एसिड किण्वन, तो दोस्तों मैंने आपको अभी तक बताया किण्वन के प्रकार, जिसमें आपको पहला बताया एल्कोहलिक किण्वन, लैक्टिक एसिड किण्वन और एसिडिक एसिड किण्वन। तो दोस्तों इनके उत्पादों की भी हम चर्चा करेंगे, पर कई बुक में दो ही किण्वन के टाइप दिए गए हैं, वो दिए हुए हैं एल्कोहलिक किण्वन और लैक्टिक एसिड किण्वन, पर दोस्तों कई जगह एसिडिक एसिड किण्वन को भी लिया गया, इसलिए आपको ये भी याद करना आवश्यक है। दोस्तों, आगे चलते हैं। दोस्तों, अब मैं इनके उप उत्पाद या यानी कि यदि मान लो एल्कोहलिक किण्वन हो रहा है तो उसका उत्पाद क्या बनेगा, तो एल्कोहलिक किण्वन का दोस्तों उत्पाद तैयार होता है एथिल एल्कोहल, उसके आगे चर्चा में इनको एक बार रब करके कर देता हूं या नीचे लिख देता हूं ताकि साथ में स्क्रीनशॉट ले सको दोस्तों, तो एल्कोहलिक किण्वन का हो जाएगा दोस्तों एथिल एल्कोहल।
इनके उत्पादों की चर्चा मैं यहाँ पे कर रहा हूं। इनको पूरा रब कर देते हैं दोस्तों, फिर एक बार साथ में लिख देते हैं। अब मैं लिख रहा हूं उत्पाद, यानी कि जो मैंने किण्वन के प्रकार बताए उनके उत्पाद की मैं बात करूंगा। तो मैंने एक नंबर आपको बताया एल्कोहलिक किण्वन, उसका मैं उत्पाद बता रहा हूं दोस्तों, एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल। दोस्तों दो नंबर पे मैंने आपको बताया लैक्टिक एसिड, तो दोस्तों लैक्टिक एसिड का जो उत्पाद है वो होगा दोस्तों लैक्टिक एसिड या लैक्टिक अम्ल, जिसे हम कह सकते हैं दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, एसिडिक एसिड का जो उत्पाद है वो भी एसिडिक एसिड ही रहेगा। जो एसिडिक एसिड किण्वन था उसका उत्पाद एसिडिक एसिड या एसिडिक अम्ल, जिसे हम कह सकते हैं। इसको एक बार अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए दोस्तों। उत्पादों की हम किण्वन के जो प्रकार हैं उसके उत्पादों की हम चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, मैं आपको अभी ये बताऊंगा कि किण्वन जो शब्द है वो कहां से आया और किण्वन जो शब्द है कहां से आया और किण्वन के शब्द का दोस्तों अर्थ क्या है, उसकी भी हम आज चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। दोस्तों हम ये भी पढ़ेंगे कि यीस्ट का उपयोग कहां होता है और भोजन हेतु उपयोगी किण्वनों की चर्चा भी हम यहां पर करेंगे। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है और आप ये नियमित आप चाहते हो कि फूड सेफ्टी ऑफिसर की अच्छी तैयारी करनी है तो हमारे वीडियो दोस्तों रेगुलर देखिएगा, आपको पीडीएफ भी मिलेगी। बस इसी जो आज का वीडियो और कल का जो वीडियो है वो काफी लेंथी रहेगा, इसलिए उसकी पीडीएफ देने में असमर्थ हूँ दोस्तों। इसलिए एक बार आप वीडियो को देख के अच्छे से ये जो आज और कल की क्लास में होगा अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा। और यदि आपके कोई दोस्त रिश्तेदार फूड सेफ्टी ऑफिसर की दोस्तों तैयारी कर रहे हैं तो उनके साथ भी ये वीडियो सामग्री साझा कीजिएगा दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, मैंने अभी तक आपको बताया किण्वन के प्रकारों की चर्चा की, किण्वन के प्रकारों के जो उत्पाद तैयार होते हैं दोस्तों उनके बारे में मैंने आपसे चर्चा की। आगे चलता हूं, मैं बताऊंगा किण्वन किस भाषा का शब्द है दोस्तों, यानी कि जो फर्मेंटेशन है मैं बता रहा हूं आपको, किण्वन किस भाषा का शब्द है, यानी कि दोस्तों जैसे एग्रीकल्चर लेटिन भाषा का एग्रोनॉमी जो कि ग्रीक भाषा का है, उसी तरह किण्वन किस भाषा का शब्द है, किण्वन किस भाषा का शब्द है। दोस्तों मैं आपको बता दूं किण्वन लेटिन भाषा का शब्द है दोस्तों, इसके अर्थ की हम एक बार अपनी कॉपी में लिखिए कि किण्वन किस भाषा का शब्द है। हो सकता है आपको सीधा ही पूछ ले दोस्तों किण्वन किस भाषा का है, तो आपको वहां डायरेक्ट करना है दोस्तों लैटिन भाषा का है। और दोस्तों इसके अर्थ की मैं बात करूं तो किण्वन आपने देखा होगा कि दूध से दही बनना, यानी कि कोई भी जो वस्तु है वो अन्य पदार्थों में परिवर्तित हो जाती है, इसलिए दोस्तों हम ये कहेंगे कि किण्वन का जो अर्थ है दोस्तों वो है उबलना। वो क्या है दोस्तों, उबलना। मैंने एक बार आपको वापस बता देता हूं दोस्तों किण्वन किस भाषा का शब्द लैटिन, अर्थ उबलना। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे वाला अब जो हम चर्चा कर रहे हैं, अब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है भोजन के किण्वन हेतु उपयोगी सूक्ष्म जीव, यानी कि आगे हम ये पॉइंट पढ़ने वाले हैं दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों किण्वन का टॉपिक फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए, क्योंकि दोस्तों ये पूरा भोजन पे टिका हुआ है और जो फूड खाद्य सुरक्षा अधिकारी की परीक्षा पूरी भोजन पे टिकी हुई रहेगी, यानी कि भोजन के बिंदु से और खाद्य सुरक्षा अधिकारी के एग्जाम के बिंदु से देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको दोस्तों दे रहा हूँ। और मैं बता रहा हूँ भोजन के किण्वन हेतु उपयोगी सूक्ष्म जीव, अगला बिंदु दोस्तों
अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ इस जानकारी को जरूर साझा करिएगा। दोस्तों भोजन के किण्वन हेतु उपयोगी सूक्ष्म जीव इसकी भी चर्चा हम अभी करेंगे। दोस्तों भोजन के किण्वन हेतु उपयोगी सूक्ष्म जीव, तो दोस्तों उपयोगी कैसे, एक तो जैसे दूध से दही बन रहा है तो उसमें उपयोगी कौन सा जो जीवाणु है वो काम आ रहा है, उनकी हम चर्चा यहां पर करेंगे। जैसे मैं आपको बता दूं उसमें लैक्टोबैसिलस काम आता है, उसी तरह दोस्तों लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया की मैं बात पहले करूंगा, इसमें ए नंबर आपको लिखना है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। तो दोस्तों लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया क्या काम करता है उसका भी आपको पता होना चाहिए। तो आपको मैं बता दूं दूध से दही निर्माण के लिए लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया उत्तरदायी होता है। दोस्तों आगे आता है सेकेरोमाइसिस सेरेविसी, दोस्तों सेकेरोमाइसिस सेरेविसी आता है वो किसमें उपयोग आता है। दोस्तों आपको मैं बता दूं इन्हें बियर या ईस्ट बनाने में उपयोग किया जाता है या बेकरी उत्पादों में हम ऐसे कह सकते हैं। दोस्तों आपको पूछे कि सेकेरोमाइसिस सेरेविसी का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि सेकेरोमाइसिस सेरेविसी का प्रयोग या जो बेकरी उत्पाद है आप ऐसे में लिख देता हूं आपके लिए बेकरी उत्पादों में। दोस्तों हम चर्चा कर रहे हैं भोजन के किण्वन हेतु उपयोगी सूक्ष्म जीव, और दोस्तों एक चीज बता दूं आपके जो सिलेबस है उसका मुख्य पॉइंट नीचे से देख लेना, सातवां पॉइंट नीचे से यूनिट सेकंड में दोस्तों, और वही बिंदु मैं आपको पढ़ा रहा हूं। कई लड़कों का कमेंट आ रहा है कि आप एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हो, तो मैं बिल्कुल भी एक्स्ट्रा अभी तक नहीं गया दोस्तों, आगे जरूर एक बार थोड़ा बहुत तो एक्स्ट्रा आपको पढ़ना ही पड़ेगा। दोस्तों आप आरपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आरपीएससी का पेपर दोस्तों एक लेवल पे आता है, तो मैंने अभी तक आपको बताया भोजन के किण्वन हेतु उपयोगी सूक्ष्म जीवों की मैंने चर्चा की। और दोस्तों तीसरा मैं बात करूं तो आता है यीस्ट, ये क्या है जीवाणु कवक। दोस्तों यीस्ट जीवाणु कवक की मैं चर्चा करूं इसका उपयोग कहां पर होता है, तो बियर बनाने में इसका उपयोग होता है दोस्तों, बियर बनाने में। आगे चलते हैं दोस्तों, ये तो एक बार या तो स्क्रीनशॉट लीजिए आप इसका या एक बार कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा कि भोजन के किण्वन हेतु उपयोगी सूक्ष्म जीव दोस्तों लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया सेकेरोमाइसिस सेरेविसी और यीस्ट जो कि बियर या रम बनाने में प्रयुक्त होता है, इन्हें एक बार कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा ताकि हम आगे चल सके दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे वाला जो बिंदु है बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम लेके चल रहे हैं। अब एक चीज जो वाइन है और बियर है, वाइन मतलब दोस्तों शराब, आपको बता दूं वाइन बियर इन सब चीजों में भी बहुत बड़ा डिफरेंट होता है, उसकी भी चर्चा हम आगे करेंगे। मैं आपको बता दूं दोस्तों वाइन और बियर आपको सीधा सीधा और यही पर्सन पूछा हुआ है दोस्तों, इसलिए और आरपीएससी नहीं पूछा था, और यही पर्सन 100% में आपको बता दूं रिपीट होने की पूरी पूरी संभावना है। तो आपको अपनी कॉपी में लिखना है वाइन और बियर का उत्पादन या निर्माण, वाइन या बियर का उत्पादन बिना आसवन विधि द्वारा किया जाता है,
बिना आसवन द्वारा किया जाता है, बिना आसवन द्वारा किया जाता है। दोस्तों आसवन की मैं बात करूं तो यहाँ पे हम उबलने से समझ सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि वाइन बियर का उत्पादन बिना आसवन के द्वारा किया जाता है। आगे दोस्तों 100% मैं कह रहा हूँ, ये पूछा जाएगा आरपीएससी के द्वारा दोस्तों। और एक चीज दोस्तों मैं बता दूं कि यदि ये वाइन बियर है, इन्हें बिना आसवन के द्वारा हम तैयार कर रहे हैं, तो क्या कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिन्हें हम आसवन के द्वारा, ये तो नॉट आसवन है दोस्तों, और उसमें क्या हो जाएगा फिर दोस्तों, यस आसवन, यानी कि उसमें आसवन द्वारा तैयार किया जाएगा, और वो आपके रहने वाली है, मैं यही लिख देता हूं दोस्तों। पहला आता है विस्की दोस्तों, वाइन, विस्की, बियर, ब्रांडी, रम, ये चारों पांचों जो चीजें हैं बहुत डिफरेंट है। विस्की, ब्रांडी, रम, इन्हें दोस्तों तैयार किया जाता है, तो मैं बता दूं आसवन द्वारा इन्हें तैयार किया जाता है। दोस्तों आप एक बार वापस देखिए कि वाइन और बियर का उत्पादन आसवन द्वारा किया जाता है, जबकि विस्की, ब्रांडी, रम का उत्पादन दोस्तों ये बिना आसवन द्वारा, सॉरी दोस्तों, वाइन बियर का उत्पादन बिना आसवन द्वारा और विस्की, ब्रांडी, रम का आसवन द्वारा दोस्तों उत्पादन होता है। आगे चलते हैं दोस्तों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज आपको बताने वाला हूं दोस्तों। अब दोस्तों एक हो सकता है आपको बीच में प्रश्न पूछ ले कि 1929 में पेनिसिलिन की खोज किसने की, ये राजस्थान पटवार पुलिस के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। 1929 में पेनिसिलिन की खोज किसने की दोस्तों, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। 1929 में पेनिसिलिन की खोज किसने की, पेनिसिलिन की खोज किसने की दोस्तों, इसका आंसर आपको नहीं बताया जाएगा, बहुत इजी पर्सन, और इसका आंसर आपको कहां देना है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में देना है, ताकि फर्स्ट तीन का नाम मैं यहाँ पर शो करने वाला हूँ दोस्तों आपके सामने कल की क्लास में, जो सबसे पहले आंसर देंगे उनका नाम शो किया जाएगा। तो मैं आपको बता दूं ये पर्सन रिपीट करके कि 1929 में पेनिसिलिन की खोज दोस्तों किसने की, तो आपको इसका आंसर कहाँ देना है कमेंट बॉक्स में दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा आप। आगे चलते हैं दोस्तों, अब एक और ऐसा ही पर्सन जो कि राजस्थान पुलिस के द्वारा अभी पिछली ही भर्ती में पूछा गया दोस्तों, क्या था ये पर्सन था कि चेचक के टीके की खोज किसने की। दोस्तों आप ये ना समझे कि हम क्लास से या आपके सिलेबस से भटक रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, आपको इन चीजों को भी पढ़ना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। चेचक के टीके की, ये इस बिंदु में नहीं तो क्या, आप जब यूनिट फोर्थ पढ़ोगे उसमें आ जाएगा कि पेनिसिलिन की खोज किसने की, पेनिसिलिन कैसे बना, पेनिसिलिन क्या है, उसके बारे में हम वहां पे चर्चा करेंगे, पर उस पर्सन का आंसर जरूर दीजिएगा दोस्तों। चेचक के टीके की खोज, इसकी पीडीएफ नहीं मिलेगी इसलिए आप क्लास को पूरा देके स्किप ना करें, और दोस्तों साथ ही साथ में कॉपी के अंदर नोट डाउन कीजिएगा इन चीजों को, चेचक के टीके की खोज बिल्कुल फ्री मिल रहा है दोस्तों आपको, फूड सेफ्टी ऑफिसर का पूरा सिलेबस यहाँ पे कराया जाएगा दोस्तों। चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर के द्वारा की गई थी, एडवर्ड
जेनर आपको अच्छे से अपने जहन में बिठा लेना है दोस्तों। और दोस्तों एक चीज बता दूं, वापस बोलता हूं मैं, चेचक के टीके की खोज किसने की? तो चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर के द्वारा दोस्तों की गई थी। आगे चलते हैं दोस्तों, अब आपके मुख्य बिंदु जो सिलेबस का है उस पे वापस आते हैं दोस्तों। इसको मैं रब कर रहा हूं, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ओके दोस्तों, आगे आता है दूध उत्पाद, यानी कि दूध से कौन कौन से उत्पाद तैयार किए जाते हैं उनकी हम चर्चा यहां पर करने वाले हैं। और आपके यूनिट सेकंड को लास्ट में से उठाकर देख लेना दोस्तों, यूनिट सेकंड में लास्ट फोर्थ यही टॉपिक है। अब यानी कि हम फोर्थ पे आगे, थर्ड पे आएंगे, टू पे आएंगे, वन पे आएंगे, मतलब आपका सिलेबस कंप्लीट होने की ओर अग्रसर हो रहा है दोस्तों। और सिलेबस कंप्लीट होने होते ही आपको इसकी पूरी पीडीएफ दे दी जाएगी। बस ये आज का वीडियो और जो कल का वीडियो दोस्तों, ये अपनी कॉपी में जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, ताकि दोस्तों आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। आगे चलते हैं। आगे मैंने अभी तक आपको पहले तो बताया किण्वन के प्रकारों के बारे में, मैंने आपको बताया कि पेनिसिलिन की खोज किसने की कि उसका आंसर आपको देना है, मैंने आपको कहा कि चेचक के टीके की खोज किसने की, मैंने आपको पहले किण्वन के प्रकारों के उत्पादों के बारे में बताया, जैसे एसिडिक एसिड किण्वन के मैंने आपको बताया कि इसका उत्पाद एसिडिक एसिड होता है दोस्तों। आगे चलते हैं, दूध के उत्पादों की हम बात करेंगे और ये एफएसओ के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है दोस्तों। दूध के उत्पादों की मैं बात करूं, पहला आता है श्रीखंड। आपने कभी रेलवे स्टेशनों पर देखा होगा दोस्तों, श्रीखंड एक उत्पाद मिलता है, एक पैकेट आता है छोटा सा श्रीखंड का, खाने युक्त पदार्थ होता है दोस्तों दूध उत्पाद। आगे पनीर बनाया जाता है इससे, इससे मट्ठा बनाया जाता है, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं दोस्तों मट्ठा। और दोस्तों छाछ, लस्सी इतिया, अब आप ये मत सोचना दोस्तों ये दोनों अलग अलग है या नहीं है, बिल्कुल दोस्तों अलग अलग है छाछ और लस्सी, इसकी भी हम बात आगे करेंगे आगे वाले वीडियो में। तो दोस्तों मैंने आपको बताया दुग्ध उत्पाद कौन कौन से हैं, ये भी आपको याद रखना है। हो सकता है दोस्तों मट्ठा आपके आ जाए दोस्तों, जो ऑब्जेक्टिव पर्सन आते हैं उसमें आ जाए, मान लो कि बताइए निम्न में से दुग्ध का उत्पाद है, तो आपको टिक करना है मट्ठा पे और बाकी ऑप्शन मान लो दोस्तों अलग रह जाए। तो दोस्तों अब आगे चलते हैं कि इनमें तो आ गया ये दूध उत्पाद की चर्चा, अब एक चीज आती है दोस्तों, क्या जो किण्वन की प्रक्रिया क्या लोगों को पहले भी पता था? हाँ दोस्तों, किण्वन की प्रक्रिया का पता 13,000 ईसा प्रथम जो साक्ष्य है दोस्तों, 13,000 वर्ष पूर्व आपको प्रश्न किस प्रकार पूछा जाएगा मैं बता दूं दोस्तों, आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि किण्वन का प्रथम साक्ष्य दोस्तों, किण्वन के प्रथम साक्ष्य की हम बात करें तो ये 13,000 वर्ष पूर्व किण्वन का प्रथम साक्ष्य हमें मिला था। तो आपको प्रश्न पूछेंगे सीधा सीधा आरपीएससी के द्वारा, ये 95% में कह रहा हूं दोस्तों, आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि किण्वन का प्रथम साक्ष्य कब मिला या कब प्राप्त हुआ, तो आपको बताना है दोस्तों 13,000 वर्ष पूर्व। एक बार इसको आप कॉपी में लिखिए दोस्तों। जब तक आगे चलते हैं, इसको आपने कॉपी में नोट डाउन किया होगा मेरे प्यारे मित्रों, यहाँ पे आपको पूरा सिलेबस हिंदी के अंदर
और आप चाहो तो आपको पीडीएफ इंग्लिश के अंदर जो एनसीईआरटी बेस पर बनाया हुआ है वो भी आपको सेंड कर देंगे। और दोस्तों आगे मैं बात करता हूँ किण्वन का प्रथम साथ से। मैंने आपको बताया कि ये 13,000 ईसा नहीं आएगा दोस्तों, 13,000 वर्ष पूर्व किण्वन का प्रथम साथ से प्राप्त हुआ दोस्तों। अब हम दोस्तों बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की। अब जो टॉपिक है दोस्तों आपके रेगुलर रहने वाले हैं, जैसे सिरका आ गया, जैसे मैंने आपको पहले नीचे लिख के बताया था सिरका, शराब, रम, ब्रांडी, इन चीजों की हम पूरी यहां पर चर्चा करने वाले। तो अगला टॉपिक है दोस्तों सिरका, जो विनेगर इसे इंग्लिश में कहा जाता है। हिंदी की बात करूं तो दोस्तों इसे हिंदी में सिरका कहा जाता है। दोस्तों हम शराब के बारे में, हम बियर, ब्रांडी, रम, विस्की आदि की चर्चा भी करेंगे, पर पहले सिरका के बारे में आपको बता दूं कि इसमें 5-20% तक एसिडिक एसिड पाया जाता है। आपको सीधा सीधा पूछा जाएगा कि सिरका के अंदर पाए जाने वाले एसिडिक एसिड की मात्रा कितनी होती है, तो आपको बताना है 5-20% एसिडिक अम्ल पाया जाता है। दोस्तों सिरका की क्लास कल भी रेगुलर रहेगी, क्योंकि आज की क्लास में कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो मैंने अभी तक आपको बताया कि सिरका के अंदर 5 से, ये तो पहला बिंदु दोस्तों, 5-20% एसिडिक अम्ल की मात्रा होती है। और आगे चर्चा करते हैं दोस्तों सिरका के जो शब्द है कहां से बना, अर्थों की चर्चा हम करेंगे। वीनम प्लस असर के द्वारा इस सिरका शब्द का निर्माण हुआ दोस्तों। और वीनम का मतलब दोस्तों शराब होता है, यहां लिख देता हूं दोस्तों ताकि आसानी से इसका स्क्रीनशॉट ले सके आप। और खट्टा, दोस्तों मैंने अब आपको बताया इसके शब्दों का अर्थ बताया, वीनम प्लस असर से एसर से बना, और वीनम का मतलब दोस्तों शराब होता है और एसर का मतलब दोस्तों खट्टा होता है। आगे चलते हैं दोस्तों, इसको मैं रफ कर रहा हूं जो यहाँ पे है चीजें, ये पहला बिंदु। अब जो सेकंड बिंदु आता है दोस्तों मैं यही लिख देता हूं, वीनम प्लस एसर, यहां मैं छोटे छोटे अक्षरों में एक बार लिख देता हूं शराब प्लस खट्टा, और इसको मैं ब्रैकेट में बंद करके अगला बिंदु आपके सामने लेकर आ रहा हूं दोस्तों। मैंने आपको बताया, और दोस्तों सिरका की मैंने चर्चा आपके सामने की, इसमें एसिडिक अम्ल की मात्रा आपको बताई। अब मैं आपको बता रहा हूं इसकी जानकारी कितने वर्ष पूर्व आई। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जैसे किण्वन का प्रथम साक्ष्य 13,000 वर्ष मिला, उसी प्रकार सिरका की सर्वप्रथम जानकारी 3,000 ईसा पूर्व लोगों को क्या थी जानकारी, प्रथम साक्ष्य हम किसे कह सकते हैं इसे। अब दोस्तों आपको बता दूं, अब सिरका का सर्वाधिक उत्पादन कहां पे होता है, आपको पूछे सीधा प्रश्न पूछ सकता है दोस्तों कि सिरका का सर्वाधिक उत्पादन कहां पर होता है। सिरका का सर्वाधिक उत्पादन, एक कहानी आपको यहां पे मैं बताने वाला हूं दोस्तों। सर्वाधिक उत्पादन की मैं चर्चा करूं तो वो देश है दोस्तों यूरोप। सिरका के जो उपयोग है, उत्पादन तो मैंने बता दिया यूरोप में होता है, उपयोग की भी हम चर्चा करें। इससे पहले एक छोटी सी कहानी दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, जो ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि 3,000 ईसा पूर्व इसके प्रथम साक्ष्य मिले, तो किस प्रकार इसके प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुए दोस्तों। पहले के समय राजा महाराजा हुआ करते थे, तो दोस्तों उस समय क्या हुआ कि राजा महाराजाओं के सैनिक खड़े थे और ऊपर अंगूर की बेले लटक रही थी, तो दोस्तों उन्होंने उस समय उन अंगूरों को, गुच्छों को पिसलना या हाथों से मसलना शुरू किया, और उसी समय उन्हें उत्पाद की प्राप्ति हुई, खट्टे उत्पाद की, जिसे दोस्तों सिरक कहा गया था। ये आपको
ध्यान नहीं रखना है। ये तो मैं आपको एक थोड़ी सी जानकारी एक्स्ट्रा दे देता हूँ दोस्तों। सिरक के बारे में मैंने बताया कि अंगूर के गुच्छों को मसलने के से प्राप्त उत्पाद को उस समय सिरक आ गए, याद रखने की चीज नहीं है दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना है। दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे फल जिनसे सिरका का निर्माण किया जाता है, ऐसे फल कौन कौन से है? तो ऐसे तो बहुत सारे फल हैं, पर दोस्तों आपको मोस्टली दो ही याद रखने हैं, सेब और टमाटर। प्रश्न पूछा जाएगा दोस्तों कि स्विनेगर या सिरका निर्माण हेतु उपयुक्त फल बताइए, तो दोस्तों आपको बताना है सेब और टमाटर। और दोस्तों इसके उपयोग की हम चर्चा करेंगे, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इस जानकारी को जरूर साझा कीजिएगा दोस्तों। आगे चलते हैं, एक बार जल्दी से या तो कॉपी के अंदर नोट डाउन कीजिएगा या जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा दोस्तों। मैं अब रख कर रहा हूं, मैं आपको सिरका के बारे में एसिडिक अम्ल कब जानकारी मिली, अब मैं आपको इसके उपयोग के बारे में बताने वाला हूं दोस्तों। इसका उपयोग क्या क्या था, जैसे यहां पे टॉपिक लिखा हुआ अगला उपयोग, तो उपयोग क्या क्या है दोस्तों, भोजन तैयार करने में, पहला आता है दोस्तों भोजन तैयार करने में, दूसरा आता है दोस्तों अचार संरक्षण में, चटनी में भी इसका प्रयोग होता है दोस्तों, चटनी में। और दोस्तों आगे मैं आपको बता दूं, ये तो मैंने बताया कि इसका उपयोग, एक उपयोग बहुत महत्वपूर्ण, सूप में भी सिरका मिलाया जाता है। बिल्कुल दोस्तों, सूप में क्या होता है, सिरका मिलाया जाता है। इसका एक बार स्क्रीनशॉट आप आसानी से ले सकते हो दोस्तों। आपको बता दूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा कर रहा हूं, मैं बता दूं, मेरे साथ जुड़े रहिए दोस्तों। आपको बता दूं कि पोस्का निर्माण में, अब पोस्का क्या होता है, पोस्का निर्माण में, इसको एक बार दोस्तों जल्दी से उतारिए ताकि मैं आपको बता सकूं कि पोस्का क्या होता है। यदि आप जितना जल्दी करोगे उतना जल्दी आपको बता दिया जाएगा कि पोस्का क्या होता है, कहां से आया पोस्का, क्या काम करता है पोस्का, उसकी हम चर्चा अभी थोड़ी देर बाद ही दोस्तों करने वाले हैं। तभी इससे पहले ही आपको मैं बता दूं कि मैंने आपको पहले पॉइंट में बताया कि सिरका में 20% एसिडिक एसिड पाया जाता है, तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि 20% एसिडिक एसिड पाया जाता है, तो इसको एक बार रख कर रहा हूं, पोस्का निर्माण की चर्चा भी करूंगा। इससे पहले एक बात में महत्वपूर्ण, जो कृषि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, यानी कि जो कृषि के विद्यार्थी है उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी, यानी कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी हेतु बहुत महत्वपूर्ण जानकारी, हो सकता है दोस्तों आपको पेपर में यही प्रश्न मिल जाए। मैंने आपको बताया था कि 5 से 20% एसिडिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। एक चीज दोस्तों 20% अच्छे से इसको अपनी कॉपी के अंदर नोट डाउन कीजिएगा दोस्तों, 20% एसिडिक एसिड का प्रयोग पीडीएफ नहीं मिलेगी दोस्तों आपको इस वीडियो की, एसिडिक एसिड का प्रयोग किसमें किया जाता है, हर्बिसाइड में प्रयोग किसमें होता है, ये प्रश्न सीधा दोस्तों 100% आपसे एफएसओ के द्वारा पूछा जाएगा, किसमें होता है। इसमें बायोटेक्नोलॉजी भी वाले भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए भी एसिडिक एसिड का बहुत महत्वपूर्ण प्रयोग है दोस्तों, किसमें होता है, तो आपको बताना है ये दोस्तों प्रयोग होता है हर्बिसाइड में। और दोस्तों आपको पता है कि हर्बिसाइड
क्या होता है। और यदि आपको हर्बिसाइड नहीं पता तो दोस्तों मुझे कमेंट करके बताएगा, आपको जरूर हर्बिसाइड के बारे में भी पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी जाएगी। दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहिए, दोस्तों आपके लिए बहुत ही ये वीडियो महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। मैंने बताया कि 20% एसिडिक एसिड का प्रयोग हर्बिसाइड में होता है, और हर्बिसाइड नहीं पता तो आप मुझे कमेंट करके यूट्यूब पे कमेंट करके पूछिएगा, आपको इसकी जानकारी भी पूरी दी जाएगी। दोस्तों मैंने आपको लास्ट में बताया था पोस्का के बारे में, तो मैं बता दूं पोस्का क्या है। दोस्तों पोस्का दोस्तों एक प्राचीन रोमन पेय पदार्थ, तो ये यहां पे मैं लिख देता हूं दोस्तों पोस्का। अब हम सिरका, जो सिरका में मैंने आपको लास्ट में बताया था, लास्ट वाला पॉइंट 6 नंबर की पोस्का निर्माण में, क्या बताया दोस्तों पोस्का निर्माण में। अब मैं आपको बता देता हूं पोस्का क्या होता है। पोस्का दोस्तों प्राचीन पेय पदार्थ, क्या है दोस्तों प्राचीन पेय पदार्थ। और दोस्तों ये क्या है, लैटिन भाषा का। दोस्तों समय हो गया क्लास का, सॉरी दोस्तों लैटिन भाषा का, समय की बाध्यता होने के कारण आप क्लास को यही रोका जा रहा है, ये कल आपको वापस बता दूंगा। दोस्तों थैंक यू। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, यदि पसंद आए तो जरूर दोस्तों एक बार पसंद कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्त रिश्तेदारों के साथ इस महत्वपूर्ण जानकारी को साझा कीजिए। दोस्तों थैंक यू।